नाजरीन कराची में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियुनि मां ट्रेनिंग हासिल कंदड़ नौजवाननि तरफ़ां नौकरी ऐं कारोबार बाबति ॼाण ॾियण लाइ कॉन्फ्रेंस कोठाई वई। वधीक तफ़सील वहीद मंगरे जी हिन रिपोर्ट। मुल्क जे मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटियुनि मां बिज़नेस ऐं आई टी ख़ासि तौर ते यूएसए मां स्कॉलरशिप ते ट्रेनिंग हासिल कयल नौजवाननि खे पंहिंजी नौकरी ऐं कारोबार जे हवाले सां कराची जी इकरा यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान यूएस अलमनाई नेटवर्क पारां इंटरप्रेन्योरशिप कॉन्फ्रेंस कोठाई वई, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ शोबनि में पाण मञाईंदड़ शख़्सियतनि नौजवाननि सां पंहिंजा तजुर्बा शेयर कया। तकरीब दौरान मीडिया सां ॻाल्हाईंदे डॉक्टर फरहान ईसा, पाकिस्तान यूएस अलमनाई कराची चैप्टर जे सदर सोहेल खान, नायब सदर विरदा भट्ट, ओपन कराची जे नायब सदर शहजाद शाहिद ऐं ॿियनि चयो त जेके नौजवान पंहिंजी नौकरी ऐं कारोबार करण में मुंझारनि जो शिकार आहिनि, उन लाइ हिन क़िस्म जा प्रोग्राम लाभाइता साबित थियनि था। हिन सेमिनार में नौजवाननि खे मशहूर बिज़नेसमैन ऐं आई टी सेक्टर सां लगापिल उस्तादन पंहिंजा तजुर्बा शेयर कया। ये जो प्रोग्राम है ये पाकिस्तान यूएस एलुमनाई नेटवर्क ने किया है। ये वो लोग हैं जो कि स्कॉलरशिप्स पे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से वो अमेरिका गए, वहाँ से ट्रेनिंग लेके वापस आए और अब वो कम्युनिटी को डेवलप कर रहे हैं और कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। ये एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्फ्रेंस इसलिए है कि पाकिस्तान में अगर गवर्नमेंट अच्छी भी चले तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी आबादी को वो जॉब्स प्रोवाइड कर सके। तो बेसिकली पॉइंट चाहता है कि हम जॉब लोगों को ऐसा करें कि वो लोगों को दूसरों को जॉब्स दें और जॉब ढूंढने के चक्रों में ना रहें। उसके लिए कॉन्फ्रेंस हो रही है क्योंकि उसके तरीक़ेकार क्या हैं, फेलियर से क्या तरीक़ेकार हैं, आइडियाज़ कैसे हैं। और यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग लीडरशिप एंटरप्रेन्योर्स की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के सीईओज़ आए हैं जो अपनी जर्नी बता रहे हैं कि लोग गलती ना करें और लोगों से सीखें। आज हम इकरा यूनिवर्सिटी और हमारे तीन स्पॉन्सर्स हैं ईसा लैब, फ्रूट नेशन और मोबिटाइजिंग के साथ मिलके ये एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्फ्रेंस इकरा यूनिवर्सिटी में करवा रहे हैं, जिसका स्पेसिफिक जो एक बहुत ही शॉर्ट मकसद ये था कि हम जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको जो है वो कनेक्ट करें, जो हमारे मतलब जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं, उनके एक्सपीरियंस को इनके सामने शेयर किया जाए ताकि जो नए लोग आ रहे हैं बिजनेस फील्ड में या एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में, उनको थोड़े से आइडियाज़ मिल सके, वो अपने जो फील्ड को मजीद जो है वो आगे ले जा सके। कि वो बच्चे जिनके अपने स्टार्टअप्स हैं और वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और स्टार्ट कर भी चुके हैं लेकिन कुछ वजूहत की वजह से वो स्टक हो गए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा वो अपने बिजनेस को किस तरीके से ग्रो करे, कभी इन्वेस्टर्स नहीं मिलते हैं, कभी उनको अच्छी पिच नहीं आती, वो अपने ब्रांड को आगे अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म के वो अपने स्टार्टअप को बताएं। हमारे स्पीकर्स, डिफरेंट स्पीकर्स को हमने ऑनबोर्ड किया है, एंटरप्रेन्योर्स को ऑनबोर्ड किया जो अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, उनके स्टार्टअप्स के बारे में उन्हें बता रहे हैं और उन्हें एक प्लेटफॉर्म बता रहे हैं कि किस तरीके से वो अपनी पिच स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस तरीके से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से वो कॉन्टैक्ट कर सकते। जहाँ तक इस इवेंट की बात है तो ये बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस है जिसमें खासतौर पर जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई हैं कि वो लर्न करें यहाँ पे। और यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं और उसके साथ साथ जो स्पीकर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, वो सब एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिनका बहुत स्किल सेट बहुत स्ट्रांग है और उनके एक्सपीरियंस से डेफिनेटली जो हमारे यंग वंस हैं वो उसको बेनिफिट ले सकते हैं। कॉन्फ्रेंस में इकरा यूनिवर्सिटी समेत मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियुनि जे 300 खां वधीक शागिर्दनि ऐं सनतकारनि वॾी अंग में शिरकत कई। कैमरामैन ग़ुलाम मुस्तफ़ा रंज सां गॾु वहीद मंगरे, ओशन टीवी न्यूज़, कराची।